आप सब भक्तों को मेरी ओर से जय महाकाल। आइए साल 2021 के लिए कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा हैं उसका राशिफल समझते हैं। कर्क राशि के नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए ये साल अच्छा फल देने वाला है। जो भी मेहनत आपने इतने सालों में की है उस मेहनत का फल आपको इस साल ज़रूर मिलेगा। आगे प्रमोशन का बहुत अच्छा चांस दिख रहा है और कोई अड़चन भी नहीं दिख रही है। इसके साथ जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी यह साल बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। आपको रोजगार के अंदर नए नए अवसर प्राप्त होंगे और आप अपने मौजूदा रोजगार के साथ कुछ और नया करने का भी सोचेंगे और वो आपके लिए शुभ रहेगा। यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको आपके परिवारजनों का सहयोग इस साल कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ईगो क्लैशेस होने की बहुत ही संभावना है और कोई छोटी सी बात बहुत बड़ा रूप ले सकती है जिससे आपसी संबंध बिगड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी स्थिति आने से आप बचें। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह साल अच्छा है, पढ़ाई का फल उनको ज़रूर मिलेगा और जो अब पढ़ाई से आगे कैरियर की ओर बढ़ना चाह रहे हैं उनको भी नए नए रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे, मेहनत का फल मिलेगा। दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू। जो वैवाहिक जातक हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको थोड़ी समस्या का इस साल मुंह देखना पड़ सकता है। कई बार स्थिति ऐसी आएगी कि पति पत्नी ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए दिखाई देंगे। यह बात घर की है, इस घर की बात को घर में ही बैठकर आगे सुलझाया जाए और कोशिश करें कि किसी बाहर वाले से इसके विषय में सलाह ना लें तो ही अच्छा है, क्योंकि ग्रह गोचर इस प्रकार का संकेत दे रहे हैं। यदि आपके पारिवारिक पति पत्नी के बीच के मसले में कोई भी बाहर का व्यक्ति आकर यदि हस्तक्षेप करता है तो ये समस्या सुलझने की बजाय और उलझती चली जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी बात है, इसको अपने बीच ही सुलझाएं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह साल बहुत अच्छा है, आपके संबंध में और प्रगाढ़ता आएगी और इसके साथ आगे आपके रिश्ते को नई ऊंचाई मिलेगी। केवल आपको अपने रिश्ते में बने रहने की ज़रूरत है, सोच समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, आपके लिए लव लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन अपने कैरियर को भी बिल्कुल ना भूलें। इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे तो जीवन में सुख ही सुख रहेगा। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को करने से आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। हर सोमवार और हर शुक्रवार आप भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद, बूरा। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, इसको एक स्टील के लोटे में लें और उसके बाद आप भगवान शंकर के मंदिर जाएं। सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद भगवान शंकर को अर्पित करें और यह पंचामृत अर्पित करने के बाद आप दोबारा से जल से स्नान कराएं। यदि पंचामृत की मात्रा आप ठीक ठाक लेके जा रहे हैं, मतलब आधा किलो से ऊपर पंचामृत आपने बनाया है, तो आप भगवान शंकर, कार्तिकेय जी, नंदी महाराज, कुबेर, वीरभद्र जो नीचे दो पत्थर होते हैं उनको, नाग देवता, माता पार्वती को चढ़ाने के बाद फिर भगवान शंकर को अर्पित करें। यदि मात्रा थोड़ी कम है तो मैंने आपको जो बताया कि पहले गणेश जी को चढ़ाएं और उसके बाद भगवान शंकर को चढ़ाएं। और ध्यान रखें, पंचामृत चढ़ाने के बाद उनको जल से पुनः स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप भगवान शंकर का ध्यान करें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
नमः शिवाय नमः शिवाय 5 बार जाप करें और भगवान शंकर को प्रणाम करें। ऐसा करने से जो भी आपकी इस साल की जो परेशानियां हैं, हालांकि आपके लिए यह साल बहुत शुभ है, लेकिन यह और भी शुभ हो जाएगा यदि आप इस नियम का पालन करें। आप सबको मेरी ओर से जय महाकाल।